तो यार पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो GTA San Andreas डेफिनेटिव एडिशन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, GTA डेफिनेटिव एडिशन के रियल लवर हैं। उन सभी फैंस के लिए आज मैं ले आया हूँ GTA San Andreas के डेफिनेटिव एडिशन का एक बहुत अच्छा ग्राफिक्स मॉड पैक, जो कि आपके नॉर्मल GTA San Andreas के लिए होने वाला है। और उस नॉर्मल GTA San Andreas के एंड्रॉयड के अंदर आपको एक ऐसा ग्राफिक्स मॉड पैक प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि आपकी गेम को बदल देगा और GTA San Andreas एडिशन की तरह बना देगा। अब GTA San Andreas डेफिनेटिव एडिशन Netflix का काफी लोगों ने डाउनलोड किया है मेरे चैनल से। कुछ लोगों के फोन में वो गेम लैग करता है, आई नो वो गेम बहुत ज्यादा हैवी है, बट फॉर Those people, ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि वो लोग GTA San Andreas अपने नॉर्मल वाले GTA San Andreas के अंदर इस वाले गेम को यहाँ पे मोड पैक को इंस्टॉल करके GTA डेफिनेटिव एडिशन का मज़ा ले सकते हो। जब वो गेम लॉन्च नहीं हुआ था Netflix का, तब बहुत सारे हमने मोड्स पैक अपलोड किए थे डेफिनेटिव एडिशन के, GTA 6 के, और आज भी हम अपलोड कर रहे हैं और आगे भी हम अपलोड करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल की जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो आई होप कि ये चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करके, नहीं नहीं चैनल को लाइक थोड़ी ना करते, अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करके, और हाँ वीडियो को लाइक करके और इस चैनल के साथ कनेक्ट रहकर चैनल को सपोर्ट करके हम चैनल को आगे लेके जाएंगे। मैं सीधा इंस्टॉलेशन की ओर लेके चल रहा हूँ और इंस्टॉलेशन को आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद ही हम अच्छे से गेम प्ले को देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको दो फाइल मिलेगी, APK एंड यहाँ पे डेटा फाइल, ठीक है। दोनों को यहाँ पे सिंपल से आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर करना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको APK के अंदर जाकर के नॉर्मली अपनी APK को इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब अपनी APK को इंस्टॉल करने के लिए आप अपने एंड्रॉयड वर्जन वाली एंड्रॉयड फाइल के अंदर जा सके हो, उसके बाद में आप अपनी जो APK है उसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अब नॉर्मली आपको APK को इंस्टॉल करना है, जैसे मेरा एंड्रॉयड 13 का वर्जन है, मैं वहाँ पर जाकर के APK को इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है। तो नॉर्मली आपको ये करना है, बाकी आपको जो फाइल मिलेगी आपकी जो कॉम्प्यूटर रॉकस्टार गेम्स डॉट जीटी ऐसे की है, उसको यहाँ पे कट करके आपको अपने एंड्रॉयड एंड डेटा के अंदर जाके जो है उसको पेस्ट करना है। तो हम कैसे पेस्ट करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है अपनी फाइल को यहाँ पे कॉम्प्यूटर रॉकस्टार वाली को यहाँ पे कट करना है, यहाँ पे जाना है डिवाइस मेमोरी के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर, डेटा के अंदर, एंड जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपनी फाइल को कैसे पेस्ट कर पा रहा हूँ, मतलब मेरे को यहाँ पे कोई एरर क्यों नहीं मिल रहा है एंड्रॉयड 13 के अंदर रहते हुए, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है गाइज, आप वो जाकर के भी देख सकते हो, आई बटन पे दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, जिससे कि आप अपने इस फोन के अंदर जो है कोई भी अपने फोन के अंदर एंड्रॉयड 14 हो या फिर एंड्रॉयड 15 या एंड्रॉइड 13 हो, उसके अंदर ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, अपनी कोई भी फाइल को अपने एंड्रॉइड डेटा के अंदर यहाँ पे डाल सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो वो वीडियो को जाके जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बट अभी फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने पेस्ट कर दिया है। एंड गाइस पेस्ट करने के बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है वो होने वाली है आपके रीनेम, ठीक है। अब आपको रीनेम करना है फाइल्स में जाके, एंड यहाँ पे आपको जो है TXDB के अंदर जाकर के आपको यहाँ पे कट सीन्स के फोल्डर को, GTA 3 के फोल्डर को, एंड GTA INT एंड TXT फोल्डर को यहाँ पे आपको रीनेम करना है, ठीक है। अब रीनेम करने के लिए आप नॉर्मली क्लिक करके अपने एंड्रॉयड वर्जन के अंदर के अकॉर्डिंग आप उसको जो है पूरा का पूरा रीनेम कर सकते हो। ये बहुत बेसिक चीज़ें मैं अपनी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ और ये सिंपल सी चीज़ है, हम इस चीज़ को यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। ऑलराइट गाइस, अब हमने सारी चीज़ें कर ली है। आप जैसे ही अपना गेम ओपन करोगे, एंड यहाँ पे आप अपना गेम ओपन करते ही आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल के रिफ्लेक्शंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। जी हाई रिफ्लेक्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अच्छी क्वालिटी के, और साथ में एक अच्छी रोड टेक्स्चर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी जो कार्ड्स है उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं करे गए हैं। जी हाँ, क्योंकि ये डेफिनेटिव एडिशन का जो है मोड पैक होने वाला है, जिसके अंदर कार्स के मॉडिफिकेशंस नहीं हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो हुआ है आपके ग्राफिक्स के अंदर, आपके रिफ्लेक्शंस के अंदर, और उसके अलावा आपके जो कंट्रोल्स है उसके अंदर आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने के लिए मिल चुके हैं। कंट्रोल्स थोड़े से डार्क कर दिए गए, जिससे कि थोड़ा बहुत अच्छा आपको फ़ोन का एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके जो क्रिएटर है, जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, उनका जो नेम है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप उनको जाके भी सपोर्ट कर सकते हो। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इस वाले मोड पैक के अंदर ऊपर FPS मीटर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि आपका गेम कितना स्मूथ चल रहा है। तो मेरा गेम यहाँ पे 60 FPS मक्खन
चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सो ये जो मेरा पूरा का पूरा गेम है वो इंस्टॉल हो चुका है मोडपैक। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से दबा देना, और उसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो और भी फ्यूचर में लाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम चिनेश सोनी, साइनिंग आउट।